विधान परिषद में कार्रवाई जारी, साथ साथ नजर आए सीएम योगी और केशव प्रसाद शिवपाल के तंज के बाद साथ दिखे सीएम योगी आदित्यनाथ और डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद। सदन में केशव मौर्य ने आपको बता दें योगी के लिए सीट छोड़ी। विधान परिषद में सपा ने किसान हंगामा किया, सदन को सीएम योगी ने किया संबोधित। केशव प्रसाद मौर्य ने योगी के लिए सीट छोड़ी। लगातार खटपट की खबरों के बीच आज विधान परिषद में सभा ने हंगामा किया। वहीं आपको बता दें कि विधान सत्र के दौरान सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य साथ साथ नजर आए। इसी के साथ आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान विपक्ष पर जोरदार हंगामा बोला और जोरदार प्रहार करते हुए उन्होंने तमाम बातें की। क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। 2005 में कैलकुलेशन के तहत ये व्यवस्था पूरे देश के अंदर लागू हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल था, जिसने अपने यहाँ ये व्यवस्था लागू की थी। और इस व्यवस्था के अंतर्गत उन कर्मचारियों के अकाउंट खुलने थे। देखिए, मुझे बताते हुए बहुत खेद पूर्वक मुझे कहना पड़ रहा है कि तत्कालीन सरकार ने 2005 से लेकर 2007 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2007 से 2012 तक बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2012 से 17 तक फिर समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उन्होंने एक भी कर्मचारी का अकाउंट नहीं खोला। इस सच्चाई इस माननीय उच्च सदन के सामने आना चाहिए। एक भी कर्मचारी के अकाउंट नहीं खोले गए, बल्कि जब 2018 में हमारे संज्ञान में बात आई थी, हमारी सरकार 17 में आ गई थी, लेकिन 2018 में मेरे संज्ञान में इस बात को आई थी, तो मैंने तत्कालीन फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। हमने उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने 2019 में इस प्रक्रिया को स्वीकार करते हुए अपना शेयर 10% से बढ़ा के 14% हमने किया है, 14% किया है। एक साथ 2019 में हमने 7.5 लाख से अधिक सरकारी जितने भी हमारे कर्मचारी थे जिनकी तैनात नियुक्ति इसके बाद हुई है, इन सब के अकाउंट खोले, अब तक 7.5 लाख कर्मचारियों के अकाउंट खोले गए हैं। पिछला पैसा 2005 से लेकर 2017 तक का जो पैसा जमा नहीं हुआ था, इसकी लगभग 10,000 की राशि थी, यह राशि भी हम लोगों ने एकमुश्त उन अकाउंट में डालने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। और आज मैं कह सकता हूं कि अगर उस व्यवस्था का लाभ कोई भी कर्मचारी लेगा तो उस कर्मचारी को लास्ट पे ड्रॉ के होने के बाद जब वह रिटायरमेंट होगा किसी स्कीम के साथ, बहुत सारी स्कीम चल रही है, उस स्कीम के साथ पैसा लगाएगा तो पेंशन के रूप में वह जो उस समय पेंशन के रूप में नहीं किसी भी उस योजना से लाभ प्राप्त करेगा तो 60% पेंशन की राशि के बराबर की राशि वह हर माह प्राप्त कर सकता है।